आपको लेकर सभी मंदिरों का आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है, किस तरह की तैयारी? देखिए, आप जानते हैं कि पवित्र श्रावण मास शुरू हो गया है और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खास करके बुलंदशहर में जो सावन की महाशिवरात्रि है उसका काफ़ी महत्व है। हम अभी बरासाऊ गांव में आए और यहाँ भगवान शिव का इतना बड़ा देवालय बना हुआ है और बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। इस पर लगभग 50 से 1 लाख आदमी आते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो मैं और SSP साहब ही व्यवस्था देखने आए हैं और गाँव के प्रधान जी हैं और SDM साहब हैं, CO साहब हैं। पूरा प्रयास है कि जो भी हमारे श्रद्धालु आएंगे, हमारे शिव भक्त आएँ, उनको यहाँ जल चढ़ाने में या अन्य किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, चाहे बिजली विभाग का काम हो, सड़क का हो, पंचायती राज का हो, स्वास्थ्य विभाग का काम हो, सब काम अपडेट है, वही हम लोग निरीक्षण करके व्यवस्था करा रहे हैं। गंगा घाटों पर सर किस तरह की तैयारी की गई है, जैसे कावड़ इधर भरे जाएंगे? देखिए, अब की गंगा जल पे जलस्तर बढ़ा हुआ है, उसमें खतरे के निशान लगवाए गए हैं, किसी आगे लोग जल लेने ना जाए। जो लोग स्नान करने आएंगे, खास करके जो हमारी महिला बहनें आएंगी, उनके लिए सभी घाटों पे चेंजिंग रूम बनवाए जा रहे हैं, अस्थायी चेंजिंग रूम बनवाए जा रहे हैं ताकि उनके कोई किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति ना बने। और भी चाहे साफ सफाई का हो, मेडिकल कैंप लगवाए जा रहे हैं, CCTV लगवाए जा रहे हैं, आप स्वयं भी देख रहे हो यहाँ भी मंदिरों में CCTV लगाए जा रहे हैं। तो जो भी व्यवस्था की जा रही है वो उच्च कोटि की हो, कोई जो हमारे शिव भक्त हैं, हमारे कांवड़िए भाई हैं, उनकी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, पूरा प्रयास किया जा रहा है।